गुरु पूर्णिमा पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शिवतारी गुरु गोरक्षनाथ का विशेष पूजन कर उन्हें रोट का महाप्रसाद चढ़ाया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सभी गुरुओं और मंदिर परिसर में मौजूद सभी देव विग्रहों का विधि विधान के साथ पूजन किया। उन्होंने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। गुरु पूर्णिमा के संदेश में कहा कि हमें गुरु का पूजन पूरी आस्था और श्रद्धा भाव से करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बुधवार की सुबह मुख्यमंत्री ने सबसे पहले नाथ पंथ के आदि गुरु बाबा गोरक्षनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। बाबा को परंपरागत महारोट का प्रसाद चढ़ाकर उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनकी पूजा की। उसके बाद वह परिसर में मौजूद सभी देव विग्रहों के पास पहुंचे और उनका पूजन किया। वह बारी बारी से बाबा गंभीरनाथ, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ समेत ब्रह्मलीन गुरुओं की समाधि पर गए। सभी का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच परंपरागत पूजन कर आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना की अनुष्ठानिक प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री की अगुवाई में गुरु पूर्णिमा पर होने वाली परंपरागत महाआरती हुई। सभी गुरुओं के प्रति आस्था निवेदित की गई। सभी नाथ योगियों ने भी गोरक्षपीठाधीश्वर का नाथ परंपरा अनुसार आशीर्वाद लिया। घड़ी, घंट और शंख की मंगल ध्वनियों के बीच मंदिर के ब्राह्मण बालकों एवं पुरोहितों का स्वर उच्चार, मंत्रोच्चार का पाठ अलौकिक श्रद्धा एवं भक्ति का एहसास करा रहा था। यह सिलसिला सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक चला। उसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा पर देश को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन का पर्व है। सनातन संस्कृति में ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु शिष्य की सुदीर्घ परंपरा है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। गुरु के आशीर्वाद से सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस पूर्णिमा की तिथि पर महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसलिए व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समान बताया गया है। गुरु शिष्य को रचता है, इसलिए वह ब्रह्मा है। गुरु शिष्य की रक्षा करता है, इसलिए वह विष्णु है। गुरु शिष्य के सभी दोषों का संहार करता है, इसलिए वह साक्षात महेश्वर है। हमें गुरु पूजन पूरी आस्था और श्रद्धा भाव से करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जीवन में गुरु के महत्व से भावी पीढ़ी को परिचित कराने के लिए यह पर्व आदर्श है। गुरु पूजन का यह पर्व हमें सद्मार्ग पर ले जाने वाले उन महापुरुषों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अर्पित करने की प्रेरणा देता है, जिन्होंने अपने ज्ञान, त्याग और तपस्या से समाज, राष्ट्र और विश्व को नई राह दिखाई। दोपहर में गोरक्षपीठाधीश्वर के निर्देशन में मुख्य भंडारा, अन्य क्षेत्र, तिलक हॉल एवं मठ के प्रथम तल स्थित हॉल एवं हिंदू सेवाश्रम में भंडारा आयोजित हुआ। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धा भाव से जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, शहर के नागरिक समेत विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने हजारों की संख्या में सहभोज ग्रहण किया। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं सीएम योगी स्वयं भ्रमण कर सभी जगह इंतजाम का जायजा लेते हुए लोगों का कुशल क्षेम पूछ रहे थे। दस प्राचीन दस दक्षिणा दस प्रति दस दस।